तो एक दिन मैं शांति से बैठ के अपना काम कर रहा था और मुझे आता है ये नोटिफिकेशन। तो चैट जीपीटी ने मुझे चैलेंज किया था गेम बनाने के लिए 24 आवर्स के अंदर। तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवा लिया आइडिया जिसपे मैं गन बनाने वाला हूँ गेम, और चैट जीपीटी ने आइडिया जनरेट कर दिया। तो आइडिया सिंपल था, बेसिकली एक स्पीयर होगा हमारा प्लेयर, जो होगा मेन प्लेयर के कंट्रोल में। वो स्पीयर को ऊपर से गिरते हुए ब्लॉक से बचना है जो हो गए रेड कलर के, और ग्रीन ब्लॉक्स को कलेक्ट करना है, और बस यही है हमारी गेम। मैंने गेम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमारा टाइम होता है स्टार्ट। हमारी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग तो बहुत फास्ट और स्मूथ हुई। तो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हुए अभी 80 मिनट्स हुई है, यहाँ पे 80 मिनट्स हुई है, और अभी एनवायरमेंट सेटअप भी कंप्लीट है और प्लेयर मूवमेंट भी हो रही है। अभी थोड़ी स्लो है पर प्लेयर मूवमेंट इज सेटअप, सो अभी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्यूब्स बनाने के लिए। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने और थोड़ी कोडिंग की और हमारी क्यूब जनरेटिंग स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई, और उसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा था। तो बेसिकली ये वर्क ऐसा कर, फिर थोड़ा और कॉपी पेस्ट करने के बाद, सॉरी कोड खुद से लिखने के बाद, अब हमारा बेसिक गेम प्ले रेडी था। सब सही से चल ही रहा था कि अचानक से ये हो गया। तो अभी एक बहुत बुरी चीज़ हो गई है, मैं स्काई कलर पे काम कर रहा था और अचानक से मेरा गेम इंजन क्रैश हो गया है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं दबा रहा हूँ तब भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब होपफुली सब सेव हो जाना चाहिए, वरना अब तक मैंने जितना भी किया ना, मुझे याद है कि मुझे याद नहीं है मैंने सेव किया था कि नहीं, तो अभी तक का सब ख़त्म ना हो जाए। मैंने मेरा गेम इंजन रीलॉन्च किया और होपफुली इट वर्क्ड। प्रोजेक्ट इज सेफ, कुछ नहीं हुआ अब तक। मैंने वो स्काई पूरी डिलीट कर दी, अब मैं वापस स्काई के ऊपर स्टार्टिंग से काम करूँगा। 1 आवर कंप्लीट हो चुकी है और ऑलमोस्ट हमारी गेम भी, मेन गेम प्ले इज ओवर। अभी हमें कलेक्टिंग क्यूब्स बनाने हैं, बाकी मेन गेम प्ले जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। One eternity later. फिर मैंने की थोड़ी और कोडिंग और अब हमारे ग्रीन क्यूब्स भी स्पॉन हो रहे थे। वो बनाने के लिए हमने रैंडम नंबर, अब बारी थी गेम के मेन मैकेनिक की जो है हाई स्कोर मेकिंग, जो हमने थोड़ी और कोडिंग के बाद फाइनली बना दिया। अब मुझे ज़रूरत थी थोड़े साउंड इफेक्ट्स की, जो मैंने इस वेबसाइट पर जाके बना लिए। इस वेबसाइट पर हम लोग जो भी बटन क्लिक करते हैं उसके हिसाब से एक रैंडम साउंड इफेक्ट जनरेट हो जाता है। इफेक्ट्स ऐड करने के बाद भी गेम में कुछ अधूरा लग रहा था, वो था मेन्यू। मैंने आज तक जितनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी सब इस मेन्यू में मैंने लगा दी। मैंने घंटों घंटों मेहनत की ये शानदार सा मेन्यू बनाने के लिए। मूवमेंट ऑफ ट्रूथ, 3, 2, 1 एंड हियर इज द मेन्यू। दिस वॉज द बेस्ट आई कुड डू इन 24 आवर्स। फिर मैंने सेम मेन्यू को कॉपी पेस्ट करके गेम ओवर मेन्यू भी बना दिया। फिर मैंने थोड़े माइन्यूट फीचर्स ऐड किए और फाइनली हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी है। सो ये मेरे चैनल पे ऐसी टाइप की फर्स्ट वीडियो थी। सो अगर इस पे अच्छा रिस्पांस आता है, दैट मींस मोर देन 100 लाइक्स, तो मैं इसका सेकंड पार्ट्स भी क्रिएट करूँगा सेम स्टाइल में, और वीडियो की लेंथ भी बढ़ाने की ट्राई करूँगा। पर इस वीडियो के लिए बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा और यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।